अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए हैं, जहाँ जहांगीर तरीन ऑन चौधरी ने सरदार तनवीर इलियास का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात शुरू हो गई है, जिसमें नोमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, मेहर नवाज असलम भरवाना और मलिक गुलाम रसूल सिंघा भी शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा PNN राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा मुलाकात का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, जो है आपसे कुछ देर पहले जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो है वो जहांगीर खान तरीन की रहायशगाह पहुंचे हैं। आजकल जहांगीर खान तरीन जो है नई पार्टी बनाने के मिशन पर हैं और मुख्तलिफ रहनुमाओं से वो मुलाकातें और रबते कर रहे हैं, और आज सरदार तनवीर इलियास से उनकी रहायशगाह के ऊपर मुलाकात जारी है, जिसमें आज जहांगीर खान तरीन ने अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके एजाज में जो है दोहराना भी दिया है, और उसके साथ सरदार तनवीर इलियास से उनकी अहम मुलाकात जो है वो जारी है। हमारे जराये ने बताया है कि सरदार तनवीर इलियास को जहांगीर खान तरीन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तरीन ग्रुप में शमूलियत की दावत दे दी गई है। अब से कुछ देर बाद वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो सरदार तनवीर इलियास हैं उसमें ऐलान करेंगे कि वो आया जहांगीर खान तरीन की जो उनको दावत दी गई है उसको उन्होंने कबूल किया है या नहीं कबूल किया। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पहले भी जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर से भी मुलाकात कर चुके हैं, और उसमें उन्होंने उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। उसके बाद फिर जो है जहांगीर खान तरीन के ग्रुप का उनके साथ राबता हुआ था, आज उनकी मुलाकात शेड्यूल थी, जो कि उनकी रहायशगा जहांगीर खान तरीन की रहायशगा पर इस वक्त जारी है। इसमें उन्होंने जहांगीर खान तरीन ने जो है सरदार तनवीर इलियास को तरीन ग्रुप में शमूलियत की दावत दी है, और जो हमारे जराए ये भी बताते हैं कि सरदार तनवीर इलियास ने ये भी दावा किया है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ 17 से 18 MNA जो PTI से बागी हैं, छोड़ चुके हैं, छोड़ने वाले हैं, वो भी रास्ते में है। अब देखना यह है कि वो कुछ देर बाद जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सरदार तनवीर इलियास, उसमें क्या ऐलान करते हैं, क्या वो ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो खुद ही ऐलान करेंगे, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आपने तफसीलन आगाह किया।